एक्शन है, उन सब एक्शंस को मोटिवेट और बदलने की तैयारी चल रही है। कहा जाए, इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम लोगों को गुलाम बनाने के तरफ से उनको चलाने की कोशिश करेगी। सो देर विल नॉट बी एनी फ्रीडम लेफ्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड इफ़ इट ऑल गोज फाइन। द ग्रेट रीसेट जिसको बोलते हैं कि क्या है ये ग्रेट रीसेट है क्या, और आपका जो पैसा आपके डिपॉजिट्स जो रखे हुए हैं बैंक में उसका जो वैल्यूएशन है, जो परचेजिंग पावर है, वो घटते चला जाता है। फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कि वी आर एंटरिंग इनटू फूड क्राइसिस। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिसका एक एक्सपेरिमेंटेशन आज के रेट में चाइना में अभी हो रहा है ना। इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? एंड चाइना इज लीडिंग द फ्रंट। एक ऑप्टिमम उनको पता चल गया कि हाँ भाई, इस लेवल पे आके पीपल ब्रेक, दे गो फॉर रिवोल्ट। इसके वजह से प्राइसेस इतने हाइक हो गए हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम राशनिंग करेंगे। किसका? एनर्जी का राशनिंग करेंगे। ये कैसे हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ढकेला जा रहा है? तो अल्टीमेटली होगा क्या, गवर्नमेंट जो है वेदर को इम्पैक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं। मान लीजिए गलती से ये बबल आज के डेट में फूट गया तो 95% ऑफ योर वेल्थ गोज डायरेक्टली डाउन है, ताकि पब्लिक जो है अपनी फ्रीडम को विलफुली सबमिट करे, ताकि पब्लिक जो है अपनी फ्रीडम को विलफुली सबमिट करे, ताकि पब्लिक जो है अपनी फ्रीडम को विलफुली सबमिट करे।